ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि वालों के लिए 2 जून से 8 जून के इन 7 दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलने से आप खुशी से पागल हो जाएंगे। साथ ही जून के इन 7 दिनों में आपकी राशि में मंगल बुध शुक्र ग्रहों का शुभ संचार होने से आपके लिए शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपका नसीब संवर जाएगा और साथ ही कुछ नई खुशखबरियों की प्राप्ति होने से आपको अधिक से अधिक और कम से कम समय में अपने कार्यों में बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए 2 जून से 8 जून तक का भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह आने वाला महत्वपूर्ण समय। दोस्तों ग्रहों में हो रहे परिवर्तन और आपकी राशि में बन रहे शुभ योगों से अब आपकी राशि वालों के जीवन में अब होने वाले हैं बड़े बड़े परिवर्तन। इन दिनों में आपके जीवन में अनेकों बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बहुत बड़े बदलाव होंगे। ग्रहों में होने वाले परिवर्तन से अब आपकी भाग्य रेखा बदलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, आपने जो पिछले समय में मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल अब इन दिनों में आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब आपकी राशि वालों के ऊपर शुभ ग्रहों की असीम कृपा होने वाली है, इससे आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी। अब इन दिनों में आपकी सारी तकलीफें परेशानियां और आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलने वाला है और अब इन दिनों में आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। कई क्षेत्रों से आपको इन दिनों में बड़े बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अब आपकी धन की समस्याएं इन दिनों में दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में आपको अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिनकी आपने अपने सपने में और जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों आप जो पिछले समय से लगातार मेहनत किए जा रहे थे, परिश्रम किए जा रहे थे और आपको सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, तो अब इन दिनों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे और बहुत सारी खुशखबरियां आपको इन दिनों में देखने को मिलेंगी। दोस्तों निश्चित रूप से यह दिन आपके लिए संतोषजनक दिन होंगे। इन दिनों में भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा और इन दिनों में आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आर्थिक तौर पर भी अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे। इन दिनों में आप अपने भविष्य से संबंधित नई नई योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे और आगे की योजनाएं तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों में बेवजह का क्रोध आपको ही हानि पहुंचा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन दिनों में आपका मन विचलित हो सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी और अपने खानपान और दिनचर्या को संतुलित और नियमित रखने की जरूरत होगी। दोस्तों इन दिनों में आपका मन बहुत ही हल्का रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों में आप विवादित मामलों और गलत संगति से जितना दूर रहेंगे, उतनी ही आपको इन दिनों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इन दिनों में जितना हो सके किसी की मदद अवश्य करें, जरूर करें। दोस्तों अब इन दिनों में आपकी एक नई शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपकी मेंटालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बदल जाएगी और आपकी वाणी में एक मिठास आएगी, मधुरता आएगी, इससे सभी का मन आप मोह लेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके कार्यों में मजबूती आएगी और आपके सुखों में वृद्धि होगी और अचानक धन लाभ का योग बनेगा। साथ ही साथ इन दिनों में कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के नए नए रास्ते मिलेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे
और दोस्तों महामारी को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों अब इन दिनों में आपके कार्यों में मजबूती आती चली जाएगी और संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं अब इन दिनों में समाप्त हो जाएंगी। आपको सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों इन दिनों में आप अपने कार्यों में कुछ नया ऐड करने की सोच सकते हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करने से लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों यह दिन आपके सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं। इन दिनों में आपके कार्य क्षेत्र और व्यापार और बिजनेस में नए नए सुधार होंगे और नए नए अवसर आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों भाग्य की दृष्टि से यह दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे। साथ ही साथ यह दिन निवेश के लिए भी लाभप्रद होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों इन दिनों में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बात सामने वाले को बुरी ना लग जाए। अपनी वाणी और व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। व्यापार में बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णयों से आपको बड़ा लाभ होगा। इन दिनों में आपके कार्य क्षेत्र और अधिकार में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों सभी सहयोगियों का आपको समर्थन मिलेगा। इस समय में समर्थन आपको मिलता हुआ नजर भी आएगा। इन दिनों में नौकरी में परिवर्तन के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और रोजगार के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों और यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नई नई योजनाओं की पूर्ति के लिए शुभ रहने वाला है। इन दिनों में आपके रुके हुए और अटके हुए कार्य पूरे होंगे, उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों इस समय में आपके विरोधी और शत्रु भी होंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। दोस्तों इन दिनों में आप सट्टा आदि से दूर रहें। दोस्तों इन दिनों में आप सुख समृद्धि की चीजें खरीदेंगे। इन दिनों में चल अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। जमीन जायदाद से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका घर बनाने का सपना है तो वह भी इस समय में पूरा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों में आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेंगी। यह दिन उच्च शिक्षा के लिए बहुत उत्तम रहने वाले हैं। विभिन्न परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जातक संतान के इच्छुक थे उन्हें संतान प्राप्ति का उनका सपना पूरा होगा। अविवाहित जातकों के विवाह के लिए शुभ रिश्तों के योग बनेंगे और जो जातक सिंगल है उनका जीवन साथी उनको इस समय मिल सकता है। इन दिनों में आपके अपने जीवन साथी से संबंध मजबूत हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें इन दिनों में बेवजह का क्रोध आपको ही हानि पहुंचा सकता है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इन दिनों में आपका मन विचलित भी हो सकता है। आपके विचारों में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपको अपनी सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत होगी और अपने खान पान और दिनचर्या